हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रहा चैनल का सिक्स्थ वीडियो और आज मैं सिंपल सूट की स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जिसका कटिंग का वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोडेड है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सूट का फ्रंट और बैक दोनों पीस ले लेना है। ये मैंने फ्रंट में पाइपिंग लगाया और पाइपिंग लगाने का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। और यहाँ बैक में मैंने नॉर्मली तुरपाई करके सिलाई कर दिया है, वो वीडियो फ़िलहाल नहीं है लेकिन आ जाएगा जल्दी। तो फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को एक साथ ले लेना है, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होना चाहिए और इसकी कंधे पर हम सिलाई लगा देंगे, हाफ इंच छोड़ के दोनों के कंधे पर एक साथ सिल देना है। तो देखिए, उसी तरह से हाफ इंच पर मैं सिलाई लगा ले रही हूँ और दोनों ही साइड पे इसी तरह से सिल लेना है। और अभी इसे पलट लेना है और एक सिलाई ऊपर से और कर देना है ताकि ये अच्छे से स्ट्रांगली सिक्योर हो जाए। तो ये सिलाई हो चुका है और ये कुछ इस तरह दिख रहा है, नीचे की तरफ ये ऐसा है और नीचे वाला पार्ट हमें अभी इस तरफ दे देना है। और अभी हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे, तो बीच में से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट कुछ ज़्यादा बड़ा है तो इसे मैं ट्रिम करके मिला ले रही हूँ। और कपड़े की सीधी तरफ हमें ऊपर रखना है और ये रॉन्ग साइड हमें नीचे दे देना है। फिर एक स्लीव लेना है और उसके नीचे वाला पार्ट पहले इस तरह मिला लेना है और फिर ऊपर देखना है। फ्रंट के लिए जो हमने डीप करके कटा था वो फ्रंट साइड में दे देना है और बैक वाला साइड बैक में दे देना है। कुर्ती और स्लीव दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होना चाहिए और उल्टा वाला साइड ऊपर होना चाहिए। अभी बीच में से हम स्टार्ट करेंगे और हाफ इंच दूरी से सिलाई करते जाएंगे। तो ये मेरा बैक वाला साइड है, मिडिल से स्टार्ट करके पूरा नीचे तक मैंने ये सिल लिया है। अभी इसको घुमा लेना है और जहाँ से सिलाई स्टार्ट किया था, मतलब फिर मिडिल से फ्रंट वाले साइड में अभी पूरा सिल लेना है। इस साइड में भी सेम उसी तरह से हाफ इंच दूरी पर सिलाई लगा लेना है और दोनों ही स्लीव्स में डबल सिलाई कर देना है ताकि सिलाई मजबूती से हो जाए। दोनों ही स्लीव्स को मैंने इसी तरह से अटैच कर लिया है। अभी स्लीव्स का नीचे वाला पार्ट हमें सिलना है, उसके लिए कपड़े को पहले हाफ इंच फोल्ड करना है, फिर हाफ इंच और फोल्ड कर देना है। दो बार हाफ इंच फोल्ड करके इस तरह से साइड से सिल देना है। तो दोनों ही स्लीव्स के नीचे मैंने इसी तरह से फोल्ड करके सिल दिया है। और अभी हम बॉडी को सिलेंगे, मतलब कि जो मेन फिटिंग है कुर्ता की, वो वाला सिलाई हमें दे देना है। तो स्लीव से हम स्टार्ट करेंगे। तो जितना भी आपका स्लीव है उसका आप हाफ ले लीजिए, मतलब मेरी मेजरमेंट में स्लीव है 12 इंच तो मैं 6 इंच पे सिलाई कर दूँगी। तो वहाँ से स्टार्ट करके 2 इंच दूरी पे सिलाई लगा देना है, क्योंकि जब मार्किंग की थी तो 2 इंच का ही मार्जिन दिया था, तो बॉडी में भी 2 इंच दूरी पे सिलाई कर देना है। और बॉडी के एक तरफ तो मार्किंग रहेगा ही जो कटिंग के टाइम हमने की थी। तो ये एक तरफ मेरा हो चुका है और दूसरी तरफ में भी मैं 2 इंच दूरी पे इसी तरह से सिल लूँगी। और बॉडी के तरफ मैंने मार्क कर लिया है 2 इंच दूरी पे और उस वाले साइड पे देख के नीचे जहाँ तक है वहाँ तक एक बार मार्क कर लिया है, मतलब कि सिलाई कहाँ तक देना है वहाँ पर मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। और यहाँ पर ध्यान से अच्छे से सिलाई लॉक कर देना है इस तरह से। तो दोनों ही साइड मैंने फिटिंग दे दिया है और ये कुछ इस तरह दिख रहा है। और अभी हम इसका नीचे का पार्ट और साइड वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। तो साइड वाले पार्ट पहले लेंगे और इसको पहले हाफ इंच और फिर एक हाफ इंच, मतलब दो बार हाफ इंच में फोल्ड करना है और इस तरह से सिल देना है साइड से। और जब ऊपर तक आ जाएंगे तो सिलाई धीरे धीरे लगाना है और फिर सुई को इस तरह नीचे कर देना है, फिर प्रेशर फुट को उठा लेना है और कुर्ती को ऐसे घुमा लेना है। फिर यहाँ पर कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड कर देना है, जितना भी कपड़ा है उसको ऐसे डबल फोल्ड कर दीजिए। और मैं दूरी से दिखा देती हूँ, इस तरह प्रेशर फुट को नीचे करके यहाँ पर सीधा एक सिलाई लगा देना है। फिर से सुई को नीचे रखिए और यहाँ पर ऐसे कुर्ती को घुमा दीजिए और फिर यहाँ पर साइड से सिलाई लगा देना है, जैसे कि उस तरफ पर किया था। यहाँ भी इस तरह से सिल लेना है, पूरा नीचे तक साइड से एकदम सिल लेना है। तो ऐसे मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और नीचे का पार्ट भी मैंने इसी तरह से डबल फोल्ड करके सिल लिया है। और अभी यहाँ पर साइड से एक सिलाई और लगा सकते हैं। मैंने पूरे राउंड पे हर तरफ लगाया है, जहाँ जहाँ प्लेकेट है। आप चाहे तो ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ कुर्ती की सिलाई कम्प्लीट हो चुकी है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टीना सिविंग।